जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आई एम सीसी नोगतिशा इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट चैप्टर जो एक जापानीज राइटर के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है सीगा नियो। क्या नाम है? सीगा नियो। उसके इस स्टोरी में जो है उन्होंने ये लिखा है, एक स्टोरी है जो एक बच्चे के बारे में जो है, 10 साल की बच्चा है, 10 साल का सॉरी 12 साल का बच्चा है जो एक स्कूल में पढ़ रहा है। किसमें पढ़ रहा है? स्कूल में पढ़ता है। उसको इंटरेस्ट होता है गार्ड्स, मतलब कद्दू को डेकोरेट करने में, कद्दू को सजाने में, पॉलिश करने में, कलर करने में उसको क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। उस इंटरेस्ट को हम इस चैप्टर में बताया गया किस प्रकार से उसके शिक्षक के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा कैसे दबा दिया जाता है। कभी कभी क्या होता था, पहले के ज़माने में कहा जाता था, मतलब पहले क्या 5-10 साल पहले देख लीजिए तो, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा धूपेगा बनेगा खराब। ये डायलॉग जो है इस स्टोरी पे बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, समझ में। इस स्टोरी किसके बारे में? एक सीबे नाम का 12 साल का स्कूल जाने वाला लड़का है। इस स्टोरी में कैसे कैसे क्या होता है आगे हम लोग देखते जाते हैं। तो चलिए, पहला जो है क्या है, इसको लिखा है सीगा नियोवान द आर्टिस्ट। इस वर्ण लाइन करना बच्चों, द आर्टिस्ट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी विच हैज बीन रिटन बाय अ जैपनीज राइटर सीगा नियोवा। जैपनीज राइटर सीगा नियोवा के द्वारा क्या किया गया है, इसको लिखा गया है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में सीबे इज अ 12 years old स्कूल गोइंग स्टूडेंट, मतलब वो 12 साल का उम्र का था और वो कहाँ जा रहा था? स्कूल जाता था, मीन्स अभी स्कूल में ही पढ़ता था। वो वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गार्ड्स। ये क्या होता है? गार्ड्स का मतलब होता है कद्दू, झींगा, ये सब जो होता है गार्ड्स के प्रजाति में आते हैं। कद्दू हो गया, झींगा हो गया, नैनो और झिंगली, ये सारी चीज़ किस में आते हैं? गार्ड्स के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कदीमा, ये सब किस में आते हैं? गार्ड्स में आते हैं। इसको किस चीज़ का शौक था? गार्ड्स को इकट्ठा करने का, कद्दू को इकट्ठा करने का। एंड लूज इंटरेस्ट इन स्टडिंग एंड प्ले। और इसने किस में अपनी इच्छा खो दी थी? इसने अपनी इच्छा किस में खो दी थी? इसने अपनी इच्छा पढ़ने और खेलने में खो दिया था। मीन्स उसको जब भी छुट्टी मिला करता था, स्कूल जाता था लेकिन स्कूल में पढ़ने में मन नहीं लगता था। जब भी इसको क्या करता था, छुट्टी मिलता था, यह क्या कर देता था? गार्ड्स को कलेक्ट करने के लिए अपने मोहल्ले में और रोड साइड के अगल बगल में जाता था, देखता था कहाँ पे कद्दू मिल रहा, वहाँ से कलेक्ट करता था, समझ में। अब आगे क्या लिखता है, आफ्टर स्कूल ही यूजुअली वॉक्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गार्ड्स, बट हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज सन्स वर्क वॉटएवर। अब देखिए क्या कहता है, स्कूल के बाद जब स्कूल गया, स्कूल से आ गया, स्कूल से आने के बाद वो क्या करता था, अपने नगर का भ्रमण करता था, अपने आस पड़ोस का भ्रमण करता था। वहाँ जाके वो कद्दू कलेक्ट करता था, कद्दू क्या करता था, इकट्ठा करता था, किस लिए? ताकि उसको पॉलिश करके डेकोरेट कर सके। लेकिन वो जो भी कर रहा था, उसके पिताजी जो थे, उसके पिताजी को पसंद नहीं था। सीबे जो भी कर रहा था उसके पिताजी को पसंद कतई नहीं था। अब देखिए क्या कह रहा, हिज फादर वॉन्टेड टू गिव अप दिस अनवॉन्टेड थिंग्स एंड वुड नॉट वॉन्ट टू लिसन टू एनी कंप्लेंट ऑफ हिज सन। और उसका पापा क्या करता था, ये जो अजीब अजीब सब चीज़ें कद्दू उद्दू ये सब क्या करता, बाहर फेंक दे, क्या कर दे, बाहर फेंक दे, इसको क्या करे, सिब्बे करना छोड़ दे और पढ़ने लिखने में ध्यान लगाए, खेलने में ध्यान लगाए, और उसका स्कूल से एक भी कंप्लेन नहीं आना चाहिए था। क्या होता था, स्कूल में पास करता नहीं था, खेलता होता था नहीं, उसको क्या कर देता था, कंप्लेन जाके उसका टीचर कर देता था। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होती। एक दिन की बात है, वन डे सीबे परचेज्ड, इसको अंडरलाइन करना, सीबे परचेज्ड एन अट्रैक्टिव गार्ड्स फ्रॉम एन ओल्ड वुमन। सीबे क्या करता है, एक
बुरी महिला थी, उसने क्या किया, एक गार्ड्स को खरीदा जो स्कूल से वो जब जा रहा था, स्कूल छोड़ के जब जा रहा था, स्कूल में पढ़ लिया, उसका छुट्टी हुई, वो स्कूल लीव करेगा, स्कूल छोड़ के जा रहा था, उसने एक बूढ़ी औरत को देखा क्या बेचते हुए, कद्दू बेचते हुए, वो कद्दू उसको पसंद आया, उसने क्या किया उस कद्दू को खरीद लिया। ही स्टार्टेड